Good morning and welcome into day 5 of this tour, Ladakh 2019. This is Sach Pass. कल शाम को सच पास क्रॉस करके यहाँ पे कैंपिंग किया था एंड नाउ वी आर ऑल सेट टू लीव इट 7:30 इन द मॉर्निंग. लुक एट दिस, सुबह 7:30 बजे उजाला देखो. दैट्स द ब्यूटी ऑफ हिमालय. सुबह 5 बजे अंधेरा गायब हो जाता है. अल्टीट्यूड की वजह से थोड़ी सी सांस फूल रही है. गुड मॉर्निंग सर. अदरक का वड़ी खाएंगे. एनीवेज, जैसा मैंने पिछले ब्लॉग के एंड में बताया था, आज का प्लान है क्लिफहैंगर रूट करने का. फॉर नाउ इट्स टाइम टू पैक अप एंड लीव. जल्दी जल्दी निकलते हैं. वैसे आज की डेट है 13th of September. इट्स माई डैड्स बर्थडे. ये व्लॉग उनको कब देखने मिला है पता नहीं, कब अपलोड होगा पता नहीं, लेकिन अभी तो नेटवर्क भी नहीं है तो उनको विश भी नहीं कर पाता. तो अभी ऑन कैमरा ही विश कर देता हूँ, हैप्पी बर्थडे डैड. जल्दी मिलते हैं. रोल वंस अगेन. अच्छा भाई, देखो आपने टाइम लैप्स में देखा होगा, बिना हेलमेट के वहां से गाड़ी निकाली, बट इट्स नॉट लाइक दैट. ये गोप्रो हेलमेट पे ही था, वैसे ही टाइम लैप्स लगाया था, इसलिए सिर्फ गाड़ी साइड में निकाली थी. अभी हेलमेट पहना है, गियर्स भी पहन लिए, सो सेफ्टी फर्स्ट, उसके बिना नहीं चलूंगा. किलाड़ साइड से सच पास का जो रूट है उसका ये मजा है, बहुत सारे ऐसे वाटरफॉल्स है डायरेक्टली रास्ते पे गिरने वाले. सी दिस वन. आई थिंक सिर्फ मैं और योगेश दो ही लोग जाएंगे आज क्लिफहैंगर के लिए. रेस्ट ऑल आर टेकिंग रेस्ट एट किलाड ओनली. अब उसके बारे में अपडेट मैं बाद में ही दे पाऊंगा, बिकॉज वी विल हैव टू टॉक टू एवरीवन एंड देन डिसाइड. बट मैं और योगेश तो जा रहे हैं फॉर श्योर. यार यहाँ पे बाइक लेके इस पे चढ़ना मुश्किल है और ये साइकिल लेके जा रहे हैं. Hello sir, where are you from? Sorry? Manali. Manali? Great, it takes a lot of courage. Yeah, it's difficult to go by bike, I'm just thinking that only. Bike se jana mushkil hai, ab ye leke ja rahe ho, cycle pe chal rahe ho. This is finally technically the end of Sach Pass. Nadi tak pahunch gaye hai. Some hotel welcomes you to Pangi. ये पुराना वाला ब्रिज तो देखो लकड़ी का बना है. सो गाइस, फाइनली वी हैव रीच्ड पांगी वैली. और अभी मैं कुछ आगे बोलूं इससे पहले ये नजारा देख लो. आई होप यू कैन सी द एंटायर ब्रिज वेविंग. Entire bridge was waving like this. Cable suspension bridge hai ye. And it is over Chenab River. River ka flow dekhoge na.
दैट्स पांगी वैली फॉर यू। यहाँ से किलाड़ कुछ 7-8 किलोमीटर दूर है। अभी पुराना वाला ब्रिज देखना है, अभी तो डिसयूज है। एज आई सेड अर्लियर, ये बाकी चार लोगों को आज का दिन रेस्ट चाहिए, तो दे आर स्टेइंग बैक इन किलाड़। मैं और योगेश, हम दोनों क्लिफहैंगर रूट के लिए अभी निकलेंगे। एंड लेट्स सी, मोस्ट प्रोबेबली अब लेह में पहुंच के ही रीयूनाइट होंगे सबके साथ। कर दिया सबको टाटा बाय बाय और हम चल पड़े क्लिफहैंगर की तरफ। वो जो नदी का ब्रिज क्रॉस किया ना, वहां से 10 किलोमीटर आए एंड स्टिल आई कैन सी द ब्रिज डाउन देयर लेफ्ट साइड में। नीचे वो जो रोड दिख रहा है वहीं से आए हम लोग। 10 किलोमीटर में सिर्फ ये पहाड़ी पे ऊपर चढ़े हैं। इट्स लाइक ज़िगज़ैग गोइंग अप। किलाड़ से निकल के हार्डली 5 किलोमीटर पे ये मिनी क्लिफहैंगर रूट है। That's Chenab River. Thrill, thrill and thrill. कैसे बनाते हैं ये roads? इस route पे हर 1-1.5 किलोमीटर में कुछ ना कुछ exciting मिल ही जाता है। So this. पहुंचेंगे संसारी, विच इज द लास्ट प्लेस इन हिमाचल प्रदेश ऑन दिस रूट। तो सून वी आर गोइंग टू एंटर द स्टेट नंबर 7 ऑफ दिस राइड, विच इज नॉट अ स्टेट एनी मोर। विल बी एंटरिंग द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। दिस इज व्हाई क्लिफहैंगर इज टफर देन एनीथिंग एल्स। क्लिफहैंगर तो अभी पहुंचे नहीं है, लेकिन द एक्सेस टू क्लिफहैंगर is like this. इतनी लूज सॉइल है ना, ग्रिप और बैलेंस कर ही नहीं पाते। और ये है संसारी नाला। दिस इज एक्चुअली द बॉर्डर बिटवीन हिमाचल एंड जे एंड के। सी, हियर इज अ बोडिया। हिमाचल प्रदेश बाउंड्री एंड्स, जे एंड की बाउंड्री बिगिंस। सच में यार, जम्मू कश्मीर के हालात बहुत खराब है। फ्रीक। वाह, माय गॉड। Finally, after all the efforts, that is the first glimpse of cliffhanger route there. I know it can't be seen in this wide angle GoPro, but मुझे देख के जो सुकून मिला है ना, अभी फिर भी 6-7 किलोमीटर दूर है, लेकिन दूर से देख के ही बहुत सुकून मिला। This is Ishtiyari village. इसके तुरंत बाद क्लिफहैंगर रूट है।
यहाँ पे क्या बैरिकेड लगा रखा है, ये तो नहीं था पहले। यहाँ इश्तेरी गांव में पहुँचे हम लोग 1:30 बजे और अभी बजे 4:15, ऑलमोस्ट 2.5 आवर्स वी स्टिल हियर। आगे क्लिफहैंगर रूट पे कुछ अल्टरनेटिव एक रोड बनाने का काम चल रहा है, तो दे हैव क्लोज द रोड एंड एज आई हर्ड रोज सुबह 8 से 12 और शाम को नहीं बोल सकते, दोपहर को 1 से 5 ये रूट बंद रहता है फिलहाल। मतलब आपको अगर आना है तो सुबह 8 से पहले या फिर दोपहर को 12 से 1 के बीच या फिर शाम को 5 बजे के बाद। अभी हम पहुँचे थे 1:30 बजे, मैगी वगैरह खाया, 2 बजे तक तो टाइम पास हुआ, फिर मस्त एक नींद हो गई, फिर गाड़ी गिरी थी उसको उठाने में टाइम गया। गिरी थी मतलब चालू में नहीं गिरी थी, खड़े खड़े गिर गई थी, पक गई वो भी एक जगह पे खड़ा रह के। ये है सामने क्लिफहैंगर रूट, अभी थोड़ा छाव में है और 2 जगह पे काम चल रहा है, एक वहाँ एंड में वहाँ पे धूल उठती हुई दिख रही है और दूसरा है यहाँ पे बीच में, 2 जगहों पे काम चल रहा है उसकी वजह से रोड बंद करके रखा हुआ है। फाइनली एट 4:15 वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम इश्तियारी। रोड तो खुला नहीं है अभी तक ऑफिशियली, बट यहाँ का इश्तियारी का जो पुलिस स्टेशन का इंचार्ज है उसने कहा कि उनको खुद जाना है गुलाबगढ़, तो वो एक टैक्सी में बैठ के निकले हैं, बोले चलो मेरे साथ देखते हैं। बोला ठीक है अच्छी बात है, अगर निकल पाए उनके साथ तो उतना ही जल्दी निकल जाएंगे, अभी देखते हैं क्या होता है। Finally guys, we are doing the cliffhanger route once again actually. This is also done last year, but I specifically wanted to make a vlog about this and that's the reason मैंने पिछले साल के footage कहीं भी publish नहीं किए, because that was not a vlog, that was just a shoot. ये सब है मलबा जो अभी ऊपर से आया है, जितने भी ऊपर ऊपर पत्थर दिख रहे हैं ना सब ये अभी ऊपर से आया हुआ है, घास कचरा। छोटी सी लैंडस्लाइड थी, इसको देख लो तब तक। Finally, after 3 long hours of wait, challenge number 2 of this ride is dusted, literally dusted. Cliffhanger route is done. अब देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाएंगे आज, गुलाबगढ़ या किश्तवाड़। One thing for sure, we are not going back towards Kilong, so Sinthan Pass, जो कि थोड़ा risk था, कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे मूविंग टू द सिचुएशन इन कश्मीर, बट वी आर गोइंग टू डू दैट। सो सिंथन पास भी आपको देखने मिलेगा जरूर,
अब आगे और जगह पे काम चालू है, वहाँ पे कितना टाइम लगता है पता नहीं, लेट्स सी। फाइनली एट 5:45 इट सीम्स दैट वी विल गेट अ पास थ्रू। इट्स ऑलरेडी स्टार्टेड गेटिंग डार्क, दिस इज व्हाई वी वर स्टॉप्ड। यहाँ पे सब मलबा पड़ा था, उसको क्लीनिंग कर रहे थे। अपना नसीब ही खराब है आज। अनदर वन हियर। अब इसको क्लीन करने में कितना टाइम लगेगा पता नहीं। इट्स 6:30 एंड वी आर स्टिल हियर वेटिंग फॉर दिस टू क्लियर। 6:45 एंड स्टिल नो लक। 7:00 एंड स्टिल वेटिंग। फाइनली ऑलमोस्ट एक घंटा यहाँ रुकने के बाद जाने की जगह मिली, वो भी अभी अच्छे से हुआ नहीं है ओपन, बट इस टेम्पो के टायर ट्रेल्स में चल चल के निकल लिए। क्या है आगे, किधर जाना है? फाइनली आई कैन सी सम टारमैक। लेट्स रश नाउ, गुलाबगढ़ पहुंचते हैं अभी जल्द से जल्द। गुड मॉर्निंग गाइज, वी आर हियर इन द ब्यूटिफुल टाउन ऑफ गुलाबगढ़ इन जम्मू एंड कश्मीर। लुक एट द सीन्स बिहाइंड मी। कल शाम को 7:30-8 बजे पहुंच गए थे इधर, लेकिन शाम को कुछ डिस्कशंस करते करते लोकल्स के साथ टाइम बहुत निकल गया, तो अभी मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ कि सिचुएशन ऐसी है। कल हम पहुँचे इधर और आते ही पता चला आज हमें जहाँ जाना है किश्तवाड़ से होके श्रीनगर की तरफ, तो किश्तवाड़ में लगा है कर्फ्यू कल सुबह से, किसी ने आर्मी ऑफिसर की गन छीन ली तो उसकी वजह से कर्फ्यू लगा हुआ है। अभी हम निकलने वाले हैं किश्तवाड़ के लिए, लेकिन पहुंचेंगे या नहीं, फिर वहां से आगे जाने मिलेगा या आर्मी वाले रोक लेंगे, कुछ पता नहीं है। और ये कर्फ्यू वाली बात अभी तक घर पे भी पता नहीं है। तो बस यहीं पे क्लिफहैंगर का ये एपिसोड ख़त्म करते हैं, और आगे किश्तवाड़ से होके सिंथन पास और श्रीनगर, सोनमर्ग, जोजिला, ये सब करने मिलेगा या नहीं मिलेगा, आज मिलेगा या रुकना पड़ेगा, बाद में मिलेगा, ये सब आपको पता चलेगा अगले वीडियो में। अगले वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब किए रहिए, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे हमें फॉलो कीजिए। अभी अगले 4-5 दिन तो इंटरनेट नहीं रहने वाला, कश्मीर में इंटरनेट बंद है, तो इंस्टाग्राम पे भी ज़्यादा अपडेट नहीं होंगे। बट वेदर इन टच और नॉट, कीप काउंटिंग किलोमीटर्स।